हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शेयरिंग स्पेस। मैं हूँ पल्लव और आज मैं आपको गांधीनगर के पास एक डैम को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम कराई डैम है। और ये डैम गांधीनगर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है, जो साबरमती नदी के पास बना हुआ है और नर्मदा कैनल के एकदम पास है। तो चलो आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। अगर व्यू अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये अभी मैं समर के टाइम आया हूँ, इसलिए पानी नहीं है, फोर्स नहीं है पानी का। बट अगर आप रेनी सीजन में आते हो तो यहाँ पर पूरा पानी का इतना फोर्स दिखेगा कि आपको वहाँ पर आप अच्छे अच्छे फोटो क्लिक्स कर सकते हो अपने लिए। तो चलो दिखाता हूँ आपको डैम का व्यू, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए पूरा क्लियर व्यू है डैम का, यहाँ से पूरा फोर्स निकल रहा है अभी, बट बहुत कम निकल रहा है। बट रेनी सीजन में ये फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का फोर्स ज़्यादा है नर्मदा कैनल में। तो रेनी सीजन में बेस्ट प्लेस है फोटो सेशन करने का। और ये पानी यहाँ से सीधा साबरमती रिवर पे चले जाता है। देखिए व्यूज कितना ब्यूटीफुल है। और ये डैम का व्यू है, का नाम है कराई डैम, जो बहुत ही अननोन प्लेस है गांधीनगर में। बट रेनी सीजन और विंटर सीजन में घूमने के लिए अच्छा जगह है। तो अगर आपको आना है तो गांधीनगर से सीधा स्ट्रेट रोड कोबा सर्कल से निकल कर क्रॉस करके लेफ्ट साइड मुड़कर कैनल का रास्ता पकड़ लेना है, वहाँ से आप आ सकते हो इस जगह पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।